Hey fam, this is Ranji. Welcome back to my haul video, guys. So YouTube में सारा ट्रेंड खत्म हो सकता है, बट सरोजी ने कहा ट्रेंड कभी खत्म नहीं होगा. सो आज हम लेके आए आपके लिए हॉल वीडियो जो कि मैंने लास्ट वीक शॉप किया था, तो वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी. सो बेसिकली पहले मेरा जो क्रेज था वो ओवर साइज टी शर्ट के लिए था, और अब जो क्रेज चढ़ा है मुझे शर्ट्स का चढ़ा है, जो कि मैंने काफ़ी शर्ट्स ले लिए मैंने इस बार समर के लिए. सो यस, समर इज हियर, एंड समर के लिए जो भी ट्रेंडिंग क्लोथ्स थे वो मैंने लिए हैं, मतलब कुछ कुछ जो मुझे पसंद है. सो अपनी फेवरेट पे स्टार्ट करते हैं गाइस. शर्ट जो कि पॉलिस्टर मटेरियल में है और काफ़ी अच्छी लग रही थी और दूर से ही चमक रही थी और दूर से मैंने मतलब पसंद कर ली थी इस शर्ट. तो इसकी फिटिंग ना काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी एंड मुझ पर काफ़ी अच्छा. मैंने ब्लू और ब्लैक जीन्स दोनों के साथ ट्राई किया था, तो आप बता दें कि ब्लैक के साथ ज़्यादा अच्छी लगी है या ब्लू के साथ. सो हेयर इज दिस सेकेंड शर्ट, और ये भी पॉलिस्टर मटेरियल में है. सो ये काफ़ी ना मतलब कि समर वाइब दे रहा था मुझे. तो शॉप नंबर आई थिंक 157 था. सो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है, इसके साथ कौन कौन से मैंने शर्ट कहाँ से लिए वो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लें, अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हो. थर्ड शर्ट इज हियर, और ये मुझे थोड़ा गोवा वाइब दे रहा था. सो गोवा कभी गई नहीं है तो यहीं पे मैंने गोवा वाली वाइब ले ली है दिल्ली में. सो आप लोग कमेंट में बताना कि ये शर्ट और जो इससे पहले बताई थी और ये वाली, तीनों में से आपकी कौन सी फेवरेट है. और हियर इज द लास्ट वन, ये लास्ट शर्ट मैंने मतलब आई थिंक फोर्थ शर्ट दी थी, उसमें से ये फोर्थ शर्ट है. और ये मतलब ब्लैक एंड व्हाइट अभी थोड़ा ट्रेंड चल रहा था, सो मैंने मुझे ये वाली पसंद आई थी. मेरे को एक और लेनी थी, आई थिंक वो उसमें कुछ चक्रा वक्रा बना होता है, वो मुझे मिली नहीं. सो ये वाली भी मेरे को अच्छी लगी, ये थोड़ी काफ़ी ओवर साइज है बट अच्छी है, और फिटिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी थी. सो अब बाकी गए जीन्स की. सो ये वाली जीन्स ली थी मैंने, और ये थोड़ी रफ है, और ये मैंने आई थिंक लिया था 192 शॉप नंबर से. सो 350 की ये जीन्स ली थी, और इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा लगा मुझे. और सेकंड जीन्स ये है, इसकी ये लेंथ में थोड़ी बड़ी है, ये मुझे ऑर्डर करवानी पड़ेगी मे बी शायद. और ये मैंने कहीं किसी और शॉप से लिया था, शॉप नंबर नहीं था वहाँ पे आई थिंक बिग सी, आपको पता होगा अगर आप ऐसे जाते हो तो वहाँ पे एक मंदिर है दुर्गा मंदिर करके, उसके जस्ट बगल में थी. तो क्लिप मैं डाल दूँगी, अगर आप लोग पता लगा सको तो वहाँ पे आप जा सकते हो. ये जीन्स मुझे सिर्फ 200 की पड़ी थी, और जब उन्होंने रेट बताया था मैंने कहा वाह यार 200 की जीन्स, तो मैंने ये फटाफट ले ली मतलब बिना सोचे. और ये इसकी फिटिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी. सो आजकल जो बैगी जीन्स चल रही है ना, सो उसके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट थी मुझे. मेरा जो क्रेज था ओवर साइज टी शर्ट का वो तो खत्म हो गया था, बट मुझे ये स्ट्राइप टी शर्ट वहाँ पे मिली थी. ये भी ओवर साइज है बट थोड़ी लेंथ में लंबी है, तो इसको मैं टक करके मैं पहन सकती हूँ. तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, इसका ग्राफिक्स भी अगर आप बैक में भी देखते हो अच्छा लग रहा था ना. तो हियर इज द लास्ट टी शर्ट गाइस, टन टन, ये ऐसी H&M की है जो कि मैंने SN से लिया है. सो ये ना जो कलर है वो काफ़ी ऐसे अट्रैक्ट कर रहा था कि मुझे ले लो, इसलिए मैंने ले लिया है. और सच बताओ तो ये मेरी नहीं है, ये मेरी सिस्टर की है, बट मुझे आ रही है ना, बट वो मुझे नहीं देगी, बट कभी कभी तो हम शेयर कर सकते हैं. सो इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए हमने फटाफट ले लिया. इसमें एक और कलर था वो आई थिंक मुझे मिली नहीं, वो टी शर्ट पता नहीं मेरी सिस्टर कहाँ रख दी. गाइस जिसके लिए हम ऐसे गए थे वो थी ये कार्गो, जो कि मैंने अभी वेयर की हुई है इस शर्ट के साथ. एंड ये काफ़ी ना कंफर्टेबल है, और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है. थोड़ा एक्सपेंसिव था बट क्वालिटी वाइज मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने ले ली. अगर आपको भी लेनी है तो शॉप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड ये थोड़ी लेंथ वाइज काफ़ी लंबी है, सो मुझे ऑल्टर करवाना पड़ेगा, हो सकता है आपको भी. सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज, एंड कमेंट में बताना कि आपको कौन सी शर्ट एंड कौन सी जीन्स आपको ज़्यादा अच्छी लगी. सो तब तक प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल. सो बाय गाइज. Hey fam, this is Ranji. Welcome back to my another vlog.